Hello dear students, let us understand what is the linear combination of vectors and what are the conditions for vectors to be linearly dependent and independent. Okay, so the very first thing, that is linear combination of vector. I have written its formal definition. If a1, a2, a3 up to an are n vectors and m1, m2, m3 up to mn are some scalars, then this expression is called as linear combination of vectors. Okay, इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर हमारे पास कोई a vector है, b vector है, ये तो बहुत ही formal सी definition लिखी है, ठीक है ना. मैं तीन vector ले लेता हूँ, a, b और c vectors हैं. तो अगर मैंने इन तीनों वेक्टर में कुछ कुछ स्केलर का मल्टीप्लाई करके, जैसे मान लो मैंने ए के साथ टू का मल्टीप्लाई कर दिया, टू ए, है ना, बी के साथ माइनस थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया, सी के साथ सपोज रूट थ्री बाई टू का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. तो ये जो पूरा एक वेक्टर बना, दिस इज अगेन अ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर विल बी वेक्टर ओनली, ओके. सो दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. ओके, मतलब सिंपल सा आप शब्दों में समझा जाए तो वेक्टर्स में कुछ कुछ स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें तो उससे जो एक फाइनल वेक्टर बनता है, दैट वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. अब जितने भी वेक्टर हैं उनको बोला जाएगा, जैसे इस केस में हम लोग बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी. ये जो चीज़ हमने यहाँ लिख रखी है ये कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वन वैक्टर, ए टू वैक्टर, ए थ्री अप टू ए एन वैक्टर. ओके, सो दिस ओनली थिंग इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन. नाउ लेट अस सी विच वैक्टर्स आर कॉल्ड एज लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स. सो लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स आर दोज वैक्टर्स हुज लीनियर कॉम्बिनेशन, हुज लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बी जीरो विदाउट मल्टीप्लाइंग ऑल दोज वैक्टर्स बाई जीरो. अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स लिखे हैं तो उन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम जीरो बना पाएँ बगैर सब में जीरो का मल्टीप्लाई किए, ऐसे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाते हैं. ओके, ये जो है एक बहुत ही फॉर्मल सी डेफिनेशन है. वेक्टर ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट सम स्केलर एम वन, एम टू, एम थ्री अप टू एम एन सच डैट m1 a1 plus m2 a2 up to mn an is equal to 0, where, ये आगे लिखना पड़ेगा मुझे, where m1 m2 up to mn are not all zeros. सब जीरो नहीं है, इनमें से कुछ जीरो हो भी सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, सारे जीरो नहीं होने चाहिए. ओके, तो अब इसको और समझिए. ऐसे जैसे अगर मैंने कोई ए वेक्टर लिया और मैंने कोई एक बी वेक्टर लिया और मैंने ये पहले मैं चलो ले लेता हूँ कोलिनियर वेक्टर्स, ए वेक्टर और ए वेक्टर के ही पैरेलल यहाँ मैं बना देता हूँ एक बी वेक्टर. ए बी ए वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स. ओके, लेट अस से कि ये जो ए वेक्टर है इसका डबल मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो है वो बी है. ओके, सो वेरी क्लियरली वी कैन सी a vector multiply by 2, because I am saying that the magnitude of b is double that of a. Okay, and minus times b is equal to 0. देख लो आप, अगर a और b दोनों का direction same है, फिर मैंने अगर b में minus का multiply कर दिया तो ये जो vector है इसने अपना direction को क्या किया, reverse. और फिर a में मैं 2 का multiply कर रहा हूँ तो ultimately इस वेक्टर 2a का और b का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इक्वल. और एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो जीरो हो जाएगा. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे a और b वेक्टर थे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, देखो ध्यान से, ये हमने ये जो 2a माइनस b लिखा है, दिस इज़ नथिंग बट द लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस थिंग इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b. ओके, आई मल्टीप्लाइड a बाई 2 एंड b बाई माइनस 1. ओके, so linear combination of this a and b vector is 0 and we have not multiplied all these vectors, that is ab yahan pe do hi hain to a aur b dono mein humne 0 ka multiply nahi kiya,
फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो जीरो हो गया। तो ऐसे वैक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स कहलाएंगे। सो आई कैन से आई कैन मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हियर दैट टू कोलीनियर वैक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, एल डी फॉर लीनियरली डिपेंडेंट। अभी यहाँ पे अगर मैं कोई दो नॉन कोलिनियर वैक्टर्स ले लेता, कोई भी दो नॉन कोलिनियर वैक्टर्स ले लेता, जैसे मान लिया मैंने ए लिया और ये मैंने बी ले लिया। ए और बी वेरी क्लियरली वी कैन सी दीज आर नॉन कोलिनियर। ओके, सो इन एनी केस कुछ स्केलर मान लो एम वन इंटू ए वैक्टर करके और एम टू इंटू बी वैक्टर करके, ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो कभी भी नहीं बन पाएगा, है ना। मैन आई एम सेइंग कभी भी नहीं बन पाएगा, इसका मतलब कि ए एम वन और एम टू अगर दोनों ये जीरो रख देंगे, एम वन और एम टू चूँकि ये स्केलर्स हैं, अगर इन दोनों को जीरो ले लिए तब तो जीरो बनेगा ही बनेगा, है ना। बट बगैर दोनों में जीरो का मल्टीप्लाई किए देख लो, क्योंकि आप कभी भी वैक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंगली जो भी तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ना। अगर वो एक से बड़ा है तो मैग्नीट्यूड उसका जो है वो बड़ा होगा, और एक से छोटा है तो मैग्नीट्यूड उसका छोटा होगा। पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, नेगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स होगा, लेकिन कभी भी ये डायरेक्शन सेम या अपोजिट डायरेक्शन कभी भी नहीं बनना है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर वो रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं बन पाएगा। ओके, सो इस केस में, इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ए एंड बी आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ तभी जीरो बनेगा जब हम दोनों में जीरो का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। बट डेफिनेशन क्या बोलता है कि लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए वो जो भी स्केलर्स हैं वो सब जीरो नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये जो है हमारा लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर का एग्जाम्पल नहीं हुआ। ओके, दूसरा चीज, अगर मैं कोई तीन को प्लेनर वैक्टर उठाऊँ, ए वैक्टर, फिर मैंने ले लिया ये बी वैक्टर, ओके, फिर है मेरे पास ये एक आर वैक्टर, ओके। ये तीन को प्लेनर वैक्टर्स हैं, ये जो भी स्क्रीन का प्लेन है उसके ऊपर ये तीनों वैक्टर ड्रॉ किए मैंने, ठीक है। अब ये तीन को प्लेनर वैक्टर जो हैं ये भी लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। आई कैन राइट थ्री को प्लेनर वैक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे समझते हैं, कैसे क्यों लीनियरली डिपेंडेंट हो रहे हैं ये वैक्टर्स। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो जीरो बन जाना चाहिए बगैर तीनों में जीरो का मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो देखा जाए क्या ऐसा हो सकता है। तो देखो आप, अगर मैं ये तीनों को टर्मिनल ऐसा कुछ को इनिशियल वैक्टर बना दूँ, ठीक, ये को इनिशियल वैक्टर बना दिया मैंने, फिर अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा आर वैक्टर है, ठीक है, जो मेरा आर वैक्टर है उसको मैं कुछ उसमें मल्टीप्लाई करके थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से अभी मेरा जो आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इतना हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने आर में, सपोज कि मैंने आर का मैग्नीट्यूड जो है वो डबल किया, तो मैंने 2 into R किया अभी, ओके। अब बी को जो है मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बी को थोड़ा जो है छोटा कर लिया जाए, तो मान लेते हैं अभी मेरा बी ये रहा, ठीक है, ये बी है, थोड़ा सा छोटा किया। अब देखो अगर हम यहाँ से थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ना बी को, अब यहाँ से अगर मैं ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ, देखो तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ये मेरा 2R, ये मेरा 2R वेक्टर है, ठीक है। ए में तो मैंने कुछ किया नहीं, बी के साथ मैंने तो बी को थोड़ा सा कम किया, मैं मान लेता हूँ कि 0.8 into B वैक्टर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन आपको पता ही है, ए प्लस 0.8 into B इज इक्वल टू 2R वैक्टर आ गया। इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
ए प्लस जीरो एट इंटू बी माइनस टू आर इज इक्वल टू जीरो. देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वैक्टर्स ए बी एंड आर, एंड वी हैव नॉट मल्टीप्लाइड ऑल दीज वैक्टर्स बाई जीरो एट सेम टाइम. वी हैव मल्टीप्लाइड बाई वन इन ए, बाई जीरो पॉइंट एट इन बी एंड माइनस टू इन आर, एंड द लीनियर कॉम्बिनेशन बिकम्स जीरो. इट मीन्स दैट, ये तो एट रैंडम मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया था, आप खुद से कोई एग्जाम्पल लेके देख लो, ऐसा कुछ ना कुछ सेट करके आप लीनियर कॉम्बिनेशन को यू कैन ऑलवेज मेक ज़ीरो, है ना. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज थ्री को प्लेनर वैक्टर्स आर ऑलवेज, थ्री को प्लेनर वैक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट. ओके, सो मूविंग ऑन टू लीनियरली इनडिपेंडेंट वैक्टर्स. ओके, सो द फॉर्मल डेफिनेशन सेज दैट द वैक्टर्स ए वन ए टू अप टू ए एन आर सेट टू बी लीनियरली इनडिपेंडेंट वैक्टर्स इफ इफ एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू, दैट इज दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन वैक्टर्स इज जीरो, इम्प्लाइज दैट दिस ऑल द स्केलर्स आर जीरो. आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इज बेसिकली इफ पी देन क्यू. ओके, सो क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है कि अगर कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है तो इसका मतलब कि सारे के सारे स्केलर्स जो हमने उन लीनियर उन सारे वेक्टर्स में मल्टीप्लाई किए हैं, दोज आर ऑल जीरो एट सेम टाइम. ओके, मतलब ये दूसरे शब्दों में बोला जाए तो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन वी कैन नॉट मेक जीरो अनलेस अदरवाइज वी आर मल्टीप्लाइंग ऑल दोज वैक्टर्स बाई जीरो. एग्जाम्पल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ए वैक्टर एंड बी वैक्टर. इफ ए एंड बी वैक्टर आर नॉन कोलिनियर, ठीक है, इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वैक्टर्स वी कैन नेवर मेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी एज जीरो. सो आई कैन राइट two non-collinear vectors are always linearly independent. Okay, next point, three non-coplanar vectors are also always linearly independent. इस बात को समझ लिया जाए, कोई भी तीन नॉन कोप्लेनर वैक्टर जो होंगे वो डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो क्या होंगे, इनडिपेंडेंट होंगे. कैसे, आप समझो कि ये मेरा कोई भी एक ए वैक्टर है, ये मेरा कोई एक बी वैक्टर है, और तीसरा वैक्टर मेरा ऐसे, आप इसको इमेजिन कर लेना अपने दिमाग में, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन. ओके, ये स्क्रीन में नहीं है, स्क्रीन में मेरे पास ये ए वेक्टर था और मेरे पास ये बी वेक्टर था. एक ये जो वेक्टर बनाया मैंने, दिस इज सम वेक्टर विच इज प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स द स्क्रीन. ओके, सो इन तीनों वेक्टर का लीनियर, बिकॉज ये कोप्लेनर नहीं है तो कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम कुछ भी स्केलर का मल्टीप्लाई किए ए में, फिर कोई स्केलर का मल्टीप्लाई किए बी में, फिर कोई स्केलर का मल्टीप्लाई किए सी में, ओके, तो ये ए और बी का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, दिस इज ऑलवेज, आप खुद सोचो, ए में कुछ मल्टीप्लाई करोगे, बी में कुछ मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, तो चाहे तुम पैरेललोग्राम लगाओ या ट्रायंगल लॉ लगाओ, है ना, जो भी ए और बी समथिंग इंटू ए प्लस समथिंग इंटू बी का जो रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी अ वैक्टर इन दिस प्लेन ओनली, इन द स्क्रीन ओनली. अब ये वैक्टर स्क्रीन में है और ये जो हमारे पास सी टाइम समथिंग था वो स्क्रीन के बाहर है, तो कभी भी डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं हो सकता. बात समझ में आ रहा है, तो कभी भी ये फिर से इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब उनका रिजल्टेंट हम कभी भी जीरो नहीं बना सकते. ओके, तो इसमें हमने देखा कि नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स जो हैं वो हमेशा लीनियरली इनडिपेंडेंट होते हैं. ओके, तो ये बात हो गई कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंसी और इनडिपेंडेंसी. ठीक है, अब देखते हैं
एक चीज़ होती है फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन, ठीक है। कुछ नहीं है अभी तक जो हमने समझा, बस उसी का इन्फेरेंस कह लो, कंक्लूजन कह लो, है ना। हम ये बोल रहे हैं कि अगर ए और बी कोई दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, नॉन कोलिनियर ध्यान रहे, ठीक है, एक प्लेन में, एक प्लेन में, तो उस प्लेन में जैसे अगर मैं यहाँ पे ये मैंने ए वेक्टर बना दिया, ए वेक्टर, और ये मैंने कोई मान लो ये मैंने कोई बी वेक्टर बना दिया, दीज आर नॉन कोलिनियर, ओके। अब इस प्लेन में और भी बहुत सारे इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे इसी प्लेन में, मतलब इसी स्क्रीन में, है ना। जैसे ये वेक्टर है, ये है, ये है, दीज आर ऑल द वेक्टर्स इन द प्लेन, ओके। अब ये सारे के सारे वेक्टर्स हम इन ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो तरीका होगा क्रिएट करने का, लिखने का, वो यूनिक होगा, है ना। वही हमने लिखा है, देन एनी वेक्टर इन द प्लेन कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, दैट इज आई कैन राइट एनी वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी। ऑब्वियसली एक्स एंड वाई आर वॉट, स्केलर्स, ओके। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक ऑल्सो, मतलब एक ही तरीका ऐसा होगा, ठीक है। तो देखो समझो, खैर हम समझ ही चुके हैं पहले भी, अगर ये ए वेक्टर बी वेक्टर है और मान लो मुझे ये वाला वेक्टर क्रिएट करना है, इस वेक्टर का नाम है आर, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, बी को बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, आर को भी बढ़ाना पड़ेगा, और इस तरीके से ताकि जब हम पैरेललोग्राम ऐसा कंप्लीट करें तो वो रिजल्टेंट आर मिल जाए। तो थोड़ा हमने आर को बढ़ाया, थोड़ा बी को बढ़ाया, तो समथिंग इंटू ए किया प्लस समथिंग इंटू बी किया इक्वल टू आर मिल गया, है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं, ये तो प्रूफ हो गया कि कोई भी वेक्टर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे प्रूफ किया जाए कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, मान लो मैंने सपोज मैंने एक्स मतलब ए में एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और बी में मैंने वाई का मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो फाइनल वेक्टर बना है मेरा, ठीक है, जो ये इतना हमने बढ़ाया था, ये कैसे बढ़ा, एक्स में ए का मल्टीप्लाई किया और वाई में बी का। तो इसका मतलब कि आर वेक्टर को मैंने लिखा है एक्स ए प्लस वाई बी, मुझे ये प्रूव करना है कि दिस इज़ यूनिक, मतलब देयर कैन नॉट बी एनी अदर मेथड टू राइट दिस आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो उसके लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन का यूज कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं, आर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, मान लेते हैं सम एक्स वन ए प्लस वाई वन बी, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। अब देखो वेक्टर एक ही है, तो वेक्टर एक ही है तो मतलब दोनों बराबर ही होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन राइट एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी इज इक्वल टू एक्स वन टाइम्स ए प्लस वाई वन टाइम्स बी, ठीक, ओके, वेरी गुड। अगर हम सबको एक तरफ लेके आए और ए बी कॉमन ले, सो विल गेट एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, सही है, ओके। पहले ही हमने बोला था कि ए और बी जो है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, नेसेसरली नॉन कोलिनियर ये हमने बोल रखा है। अब नॉन कोलिनियर हैं तो अभी अभी हमने पढ़ा कि नॉन कोलिनियर वैक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, नॉन कोलिनियर वैक्टर्स आर वॉट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं अभी। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और फिर भी यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो लिखा है ए और बी का, बिकॉज एक्स एक्स वन वाई वाई वन आर वॉट स्केलर्स, सो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, और ये जीरो के इक्वल है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब हमने एक्स में भी जीरो का मल्टीप्लाई किया है और वाई में भी क्या किया है, जीरो का मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब कि एक्स वन जो है वो एक्स के इक्वल है और वाई वन जो है वो वाई के इक्वल है। हमने बोला था कि ये एक्स वन वाई वन कोई और है नंबर्स अदर देन एक्स एंड वाई, बट अल्टीमेटली क्या प्रूफ हो गया कि एक्स वन इज सेम एज एक्स एंड वाई वन इज नॉट डिफरेंट एज वाई, ओके। तो इस तरीके से ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिक होगा। दिस थिंग इज कॉल्ड एज वॉट, फंडामेंटल थियोरम इन प्लेन, ओके। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट।
theorem that is fundamental theorem in space. फंडामेंटल थियरम इन स्पेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने डिस्कस किया प्लेन के लिए, बस अंतर ये है कि यहाँ पर ए बी सी तीन कोई नॉन को प्लेनर वैक्टर्स हैं, नॉन को प्लेनर, ठीक है, और ये कहाँ पे हैं, स्पेस में, ठीक है, मतलब स्पेस के अंदर कोई भी ये तीन नॉन को प्लेनर वैक्टर होते हैं. वेरी सिंपल एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू दैट दिस इज आवर coordinate axis x, y and z, this is origin, okay, so this vector, unit vector in the direction of y is z cap, in the direction of z is k cap, in the direction of x is i cap, so these three vectors are linearly, matlab non-coplanar, okay, and non-coplanar are linearly independent, okay. तो ये सबसे ईजी एग्जांपल है, ऐसे हज़ारों लाखों वेक्टर्स हो सकते हैं, बट यहाँ से आप समझ लो ये एक प्लेन में नहीं है तीनों वेक्टर्स. तो इस स्पेस का कोई भी वेक्टर हम उन तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख सकते हैं, एंड अगेन दैट रिप्रेजेंटेशन विल बी यूनिक, ठीक है. आई डोंट थिंक इसको प्रूफ करने की ज़रूरत है ना, बाकी प्रूफ करना जैसे मैंने ऊपर कराया सेम तरीका है. आप अगर इसको कोई दूसरा तरीका मान लो, फिर दोनों को इक्वेट करोगे, तो उसके बाद फाइनली x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 आएगा, क्योंकि a, b, c जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए सबको जीरो रखना पड़ेगा, और फिर वहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने दूसरा तरीका मान रखा था x1, y1, z1, वो दूसरा है ही नहीं, वो x, y, z ही है बेसिकली, ठीक है. तो ये बात हो गई. जैसे हम लिखते हैं ना कोई भी वेक्टर, हम क्या लिखते हैं जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो ये भी तो वही है, ij और k का लीनियर कॉम्बिनेशन, और ij k क्या है, खुद नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं. तो स्पेस का हर एक वेक्टर हम लोग तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस थिंग इज कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस. ओके, तो अभी समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा. ओके, जो भी हमने पढ़ा उसको बस यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा है, समराइज कर लिया जाए. टू को लीनियर वैक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एल डी फॉर डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट आई एन डी. ओके, दो को लीनियर वैक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ चुके हम लोग पहला. दो नॉन को लीनियर वैक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं. थ्री को प्लेनर वैक्टर डिपेंडेंट होते हैं. थ्री नॉन को प्लेनर जो हैं वो नॉन कोलिनियर और नॉन कोप्लेनर, ऐसे याद रख सकते हो, दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट इज टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. बहुत ही ट्रिवियल सा पॉइंट है ना, बहुत ही ऑब्वियस. कोई भी दो वेक्टर बनाओगे हमेशा दोनों वेक्टर को कंटेन करने वाला एक प्लेन होगा, चाहे वो वेक्टर कोप्लेनर सॉरी कोलिनियर हो चाहे ना हो, ठीक है ना. जैसे मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ये ए है बी है, नॉन कोलिनियर है बट है तो कोप्लेनर ही ना, स्क्रीन में ही बनाया मैंने, तो स्क्रीन का प्लेन इन दोनों में कॉमन है. ठीक, तो फिर सिक्स्थ पॉइंट देखा जाए, सिक्स्थ पॉइंट इज थ्री वेक्टर्स आर नॉट ऑलवेज कोप्लेनर. ठीक है, तीन वेक्टर हमेशा कोप्लेनर नहीं होते हैं, ये बात भी अपने को पता है. तीन वेक्टर कोप्लेनर भी हो सकते हैं, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर. ठीक है, ये जो तीन वेक्टर मैंने ड्रॉ किए ये कोप्लेनर है क्योंकि स्क्रीन में ड्रॉ किया मैंने. ठीक है ना, अब मान लो मैं यही ऊपर वाला एग्जांपल ले लूँ, कौन सा, ये वाला. यहाँ पर मेरे पास ये जो तीन वेक्टर थे, यूनिट वेक्टर आई जे और के कैप, ये कैसे वेक्टर थे, ये भी तीन वेक्टर हैं लेकिन ये कोप्लेनर नहीं है, तो कोप्लेनर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं तीन वेक्टर. ओके, फिर आगे बात करें सेवन्थ पॉइंट की. सेवन्थ पॉइंट है मोर देन थ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट. मोर देन थ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, तीन से ज़्यादा वेक्टर अगर है ना तो वो लीनियरली डिपेंडेंट. ध्यान रहे मैं कोप्लेनर नहीं बोल रहा हूँ, कोप्लेनर एंड लीनियरली डिपेंडेंट आर नॉट सेम थिंग, है ना. कोई वैक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट जरूर होंगे, लेकिन अगर वैक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनका कोप्लेनर होना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, कोई भी तीन से ज़्यादा वेक्टर अगर उठाओगे तो वो
लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। एग्जाम्पल बहुत ऑब्वियस है, जैसे यहीं देखो, मैंने मान लो ये जो एग्जाम्पल अभी लिखा था 2i-3j+4k, ये कोई वैक्टर है ए, तो एक वैक्टर ये है 2i, दूसरा वैक्टर 3j, तीसरा वैक्टर 4k और चौथा वैक्टर ए, ठीक है। और ये चारों का लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब अगर सबको मैं ए की तरफ लेके आके लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे, तो इन चारों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो बन गया बगैर सब में जीरो का मल्टीप्लाई किए, तो यही चीज़ डेफिनेशन है यही लीनियरली डिपेंडेंट का। तो फोर वैक्टर्स आर नॉट, मतलब फोर या मतलब तीन से ज़्यादा है ना, तीन से ज़्यादा वैक्टर हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, हमेशा कोप्लेनर होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, फिर आठवां पॉइंट क्या है, एट पॉइंट है, अगर ए बी सी तीन कोप्लेनर कोलिनियर वैक्टर्स के पॉइंट्स के पोजिशन वैक्टर, इफ थ्री वैक्टर्स थ्री पॉइंट्स विथ पोजिशन वैक्टर्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर मेरे पास तीन पॉइंट है ए फिर बी फिर सी, और ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट के पोजिशन वैक्टर है, ठीक है। तो लिखा है हमने इफ़ एंड ओनली इफ, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब तीन स्केलर ऐसे एग्जिस्ट करने चाहिए एक्स वाई जेड, ताकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी इन तीनों वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर्स का जीरो बन जाए, और साथ में वो जो स्केलर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीनों वेक्टर ए बी और सी में, उनका सम भी जो है वो जीरो हो, ठीक है। अब इस बात को समझना बहुत ही आसान है, देखो अगर तुम ध्यान से देखो, ये एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू माइनस जेड सी आएगा, तो इक्वल टू माइनस जेड इक्वल टू सी अपॉन ये, मतलब माइनस जेड को इधर डिनोमिनेटर में लेके आए। अब माइनस जेड का वैल्यू यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, माइनस जेड का वैल्यू रख सकते हैं एक्स प्लस वाई, तो ये चीज़ बेसिकली लिखा है एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो और तुम्हें सेक्शन फार्मूला आता है, सो दिस इज़ नथिंग बट सेक्शन फार्मूला। इस बात का पूरा मतलब ये हुआ कि सी इज़ द पोजिशन वैक्टर ऑफ दैट पॉइंट विच इज़ डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो वाई इज टू एक्स, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट दो के ज्वाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वेदर एक्सटर्नल चाहे इंटरनल, तो ऑब्वियस बात है इसका जो है वो कोलिनियर होंगे पॉइंट्स, ठीक है। फिर ऐसा ही एक और पॉइंट है नेक्स्ट नाइन्थ, यहाँ पे चार पॉइंट की बात की गई है, फोर पॉइंट्स, ये ध्यान रहे ये ए बी सी डी ये जो वैक्टर्स हैं दीज आर पोजिशन वैक्टर्स ऑफ पॉइंट ओनली, है ना, ये फोर पॉइंट के पोजिशन वैक्टर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कोप्लेनर तभी होंगे सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे जब मेरे पास चार ऐसे स्केलर मौजूद हों, ताकि उन चारों का जब मैं मल्टीप्लाई करूँ रेस्पेक्टिव सम में और ऐड करूँ तो वो जीरो हो जाए, और साथ में उन चारों का सम जो इटसेल्फ क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये भी बहुत ईजी है। इसको ऐसे लिखो एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू माइनस जेड, या माइनस कॉमन लेके जेड सी प्लस डब्ल्यू डी, ठीक। और यहाँ से भी आई कैन राइट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम जेड प्लस डब्ल्यू। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ, अगर मैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई का डिवाइड कर दूँ, ठीक है, और जेड सी प्लस डब्ल्यू डी यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई का डिवाइड कर दूँ, ठीक है, दोनों तरफ एक्स प्लस वाई का डिवाइड कर दिया, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से दिखी रहा है माइनस टाइम्स जेड प्लस डब्ल्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस टाइम्स जेड प्लस डब्ल्यू लिखूँगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा। ये फिर से क्या लिखा है, देखो दिस इज सेक्शन फार्मूला, दिस इज अगेन सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को वाई इज टू एक्स के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये राइट हैंड साइड का मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जो सी और डी को ज्वाइन करने वाली लाइन को
डब्ल्यू इज टू जेड के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये दोनों पॉइंट बीच में क्या साइन लगा है, इक्वल टू, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन थी, सी और डी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन थी, ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट है जो इसको भी किसी रेशियो में, इसको भी किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए बी को भी और सी डी को भी किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ए बी एंड सी डी लाइन्स आर वॉट, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग अगर ये लाइन्स हो गई तो तुम खुद सोचो, दो लाइन जो इंटरसेक्टिंग है उनके ये जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं क्या वो एक ही प्लेन में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो यही बात लिखी है कि चार पॉइंट्स जिनके पोजिशन वैक्टर ए बी सी और डी वैक्टर्स हैं वो कोप्लेनर सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे जब हमारे पास चार ऐसे स्केलर मौजूद होने चाहिए जिससे हमारा ये वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन जाए और उन स्केलर्स का जो सम है वो भी जीरो हो। ठीक, तो ये इसका प्रूफ भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ए वेक्टर कुछ लिखा हुआ है कॉम्पोनेंट फॉर्म में, बी वेक्टर लिखा हुआ है, सी वेक्टर लिखा हुआ है, और बता रहे हैं कि ये वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये एक डिटर्मिनेंट 3x3 का, जिसके रोज ये जो लिखे हैं, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के कंपोनेंट लिखे हैं, है ना, ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा 3x3 का, इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। अब इसमें ये कोई ऑर्डर निर्धारित नहीं है, ठीक है ना, उसको तुम इधर उधर भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, इसको एज ए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे लिए क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि ए बी और सी जो है वो कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर हैं, तो इसका मतलब कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीरो। सो आई कैन राइट, मैं ए वेक्टर को कुछ अल्फा टाइम्स बी प्लस बीटा टाइम्स सी वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है ना, यही तो पढ़ा हमने कि कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, और एक फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन भी पढ़ा था। वैसे मैंने ए वेक्टर को अल्फा बी प्लस बीटा सी करके लिख लिया। अब ए वेक्टर है मेरे पास ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के बराबर, इधर आ जाएगा अल्फा टाइम्स बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप प्लस बीटा टाइम्स, ये अल्फा बीटा क्या है, दीज आर सम स्केलर्स, सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। ठीक, अब देखो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप इक्वल टू अल्फा बी वन प्लस बीटा सी वन इंटू आई कैप, अल्फा बी टू प्लस बीटा सी टू इंटू जे कैप प्लस अल्फा बी थ्री प्लस बीटा सी थ्री इंटू के कैप, ये हो गया। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेक्टर है, राइट हैंड साइड में भी एक वेक्टर है, और लेफ्ट साइड में जो वेक्टर है, ठीक है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, आई जे के का। राइट साइड में भी आई जे के का ही है। आई जे के जो होते हैं ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, ये बात तुम्हें बताई नहीं जाएगी, ये बात तो पता ही है कि आई जे एंड के आर वॉट, नॉन कोप्लेनर। तो अगर ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो हम लोग सीधे सीधे इनका कोफिशेंट क्या कर सकते हैं, कंपेयर आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, और के का के के साथ में। क्यों कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करने का रीज़न, फिर भाई कंपेयर करने का मतलब ये है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, ए वन बराबर अल्फ़ा बी प्लस बीटा सी वन, ये लिखने वाला हूँ, ये ना, इसका मतलब भी अगर मैं सबको इधर लेके आऊँ तो आई के साथ आई कॉम्पोनेंट मेरा बनेगा ए वन माइनस अल्फ़ा बी वन माइनस बीटा सी वन इंटू आई कैप। फिर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई ऐसा कुछ होगा कि ये आई जे और के जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो ऐसा उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है, इसका मतलब कि ये तीनों जो स्केलर्स हैं वही जीरो हैं, तो जब इनको जीरो रखूँगा तो अल्टीमेटली फिर से यही चीज़ बन जाएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम लोग सीधे क्या बोल देते हैं कि वी कैन कंपेयर, अगर दोनों साइड में इस तरीके के वेक्टर्स हों, नॉन कोप्लेनर लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये ध्यान रहे कंपेयर करने के लिए ना। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ
तो मुझे मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, अल्फा बी वन प्लस बीटा सी वन इक्वल टू ए वन, अल्फा बी टू प्लस बीटा सी टू इक्वल टू ए टू, अल्फा बी थ्री प्लस बीटा सी थ्री इक्वल टू ए थ्री। दीज आर थ्री इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल तो ही है अल्फा और बीटा, तीन इक्वेशन और दो ही अननोन है, तो ये तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट होने के लिए, मतलब अल्फ़ा बीटा का यूनिक वैल्यू आने के लिए क्या कंडीशन होती है, हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, क्या पढ़े थे, यही जो डिटर्मिनेंट है हमारा ये बी वन सी वन ए वन, बी टू सी टू ए टू और बी थ्री सी थ्री ए थ्री, ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बस फिर इसी का ट्रांसपोज ले लो, तो बी वन बी टू बी थ्री यहाँ आ जाएगा, सी वन सी टू सी थ्री इधर हो गया, ए वन ए टू ए थ्री यहाँ हो गया, ठीक है। फिर से दो बार इंटरचेंज कर दो इसमें, मतलब बी को यहाँ थर्ड में भेज दो, ए को यहाँ भेज दो, एक इंटरचेंज, फिर सी को, फिर सी को यहाँ और बी को यहाँ, है ना। तो दो इंटरचेंज करने से वही जो अपने को प्रूफ करना था कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो, वो हो गया, है ना, ठीक। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम एक और तरीके से आगे प्रूव करेंगे किसमें, जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन, दूसरा एक प्रूफ कि तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो उनके कंपोनेंट के द्वारा ये जो डिटर्मिनेंट बनता है उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो रहना चाहिए। ओके, तो ये तो कुछ बातें हो गई है, ये कुछ प्रॉब्लम किया जाए, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा है, ए बी सी ये तीन नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उनमें से कोई भी दो आपस में कोलिनियर नहीं है। जैसे ही ये वर्ड दिखे ना अपने को क्वेश्चन में कि को लीनियर नहीं है या को प्लेनर नहीं है, तो तुरंत अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं उन वेक्टर्स का कोफिशिएंट कंपेयर हो रहा होगा, तभी ये वाली बात लिखी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर आगे क्या बोला कि ए प्लस टू बी इज को लीनियर विथ सी, तो आई कैन राइट इक्वल टू लैम्डा सी, पहली चीज, एंड बी प्लस थ्री सी इज को लीनियर विथ ए, आई कैन राइट इक्वल टू म्यू टाइम्स ए, ठीक है। फिर हमसे ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी के डिटर्म, सॉरी ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी एक को एलिमिनेट कर दो, जैसे बी का वैल्यू यहाँ से उठा के फर्स्ट इनपुट कर लो, तो मिलेगा मुझे ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी की जगह पे हम रखने वाले हैं म्यू ए माइनस थ्री सी इक्वल टू लैम्डा सी, ठीक है। फिर ए माइनस सिक्स सी इज इक्वल टू, इसको मैं भेज देता हूँ इधर, इक्वल टू लैम्डा सी, लैम्डा सी माइनस टू म्यू ए, ठीक। ऐसा क्यों किया, चाहे तो ए और सी दोनों को अलग अलग तरफ रखें, या अगर ऐसे नहीं करना है तुम्हें तो तुम सबको ही एक तरफ लेके आ जाओ, जैसा मर्जी वैसा करो, है ना। ए के साथ अगर देखें हम लोग क्या कॉमन में है, ए के साथ वन प्लस टू म्यू है, और सी के साथ लेफ्ट साइड में माइनस सिक्स है, और राइट साइड से अगर हम सी का टर्म इधर लेके आएंगे लेफ्ट में तो माइनस लैम्डा आ जाएगा, तो इक्वल टू जीरो। फिर क्वेश्चन में लिखा था कि कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, मतलब ए एंड सी आर नॉट कोलिनियर, इट मीन्स कि ए एंड सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट है और फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ जीरो लिखा है, तो ऐसा तभी होगा जब ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, जीरो। तो उनको जीरो जब करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस सिक्स, और म्यू का वैल्यू माइनस वन बाई टू, ठीक है। दोनों में से किसी एक का यूज कर लो, अगर मैं लैम्डा का यूज कर लूँ इसको फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो मैं लिखूँगा ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस सिक्स सी, लैम्डा का वैल्यू माइनस सिक्स है, तो यहाँ से ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी इक्वल टू क्या मिल गया, जीरो। अब कोई जीरो वेक्टर है तो उसका जो है मॉड, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जीरो, तो आंसर जो है वो हो गया जीरो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो फिर से,
फिर से लिखा क्वेश्चन में ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, तुरंत समझ में आना चाहिए कि क्यों लिख रहा है ये, कहीं ना कहीं मे बी कि ए और बी का कोफिशेंट कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे क्या लिखा कि सी एंड डी आर कोलिनियर, इसका मतलब कि एक्स माइनस टू टाइम्स ए प्लस बी, दिस इज सी, सी इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स डी एंड डी इज दिस, है ना। बस आप कोफिशेंट कंपेयर करो ए का और बी का, तो दो इक्वेशन बनेगा, दो ही अननोन है, अननोन कौन कौन से हैं, एक्स, तो अपने को तो एक्स का वैल्यू पूछा है ना, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो बता दोगे तुम, इट्स वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और भी सिंपल से एग्जांपल हैं। पहचानना है हमें कि ये जो वेक्टर्स लिखे हैं क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इनडिपेंडेंट हैं, ठीक है, इनकी लीनियर इनडिपेंडेंस को एग्जामिन करना है, टेस्टिफाई करना है, जाँचना है। तो ए और बी ये दो वैक्टर लिखे हैं, ठीक है। अब दो वैक्टर लिखे हैं यहाँ पर, जो इन दोनों को देखते ही पता लगना चाहिए तुम्हें, देखते ही, कि दीज आर कोलिनियर। कैसे, इसमें टू का मल्टीप्लाई करो, देखो ये मिल जाएगा, इसमें टू का मल्टीप्लाई करते ही ये दूसरा वेक्टर मिल रहा है। तो अगर मैं इस वेक्टर का नाम रखूं ए और इसका नाम रखूं बी, तो बी इक्वल टू क्या लिखा है, ट्वाइस ऑफ ए। बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए लिखने का मतलब कि बी एंड ए आर कोलिनियर, और कोलिनियर हैं तो कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। फिर सेकेंड एग्जाम्पल, आई माइनस जे और यहाँ पर के भी है, तो बस क्लियरली पता चल रहा है दीज आर लीनियरली इनडिपेंडेंट, क्यों, नॉन कोलिनियर वैक्टर्स हैं, नॉन कोलिनियर। फिर थर्ड, एक वैक्टर, दो वैक्टर, तीन वैक्टर, तीन वैक्टर लीनियरली डिपेंडेंट पूछा है ना, तीन वैक्टर अगर कोप्लेनर हो गए तो लीनियरली डिपेंडेंट, कोप्लेनर नहीं हुए तो लीनियरली इनडिपेंडेंट। तो कोलिनियरिटी चेक करने का मेथड हमने अभी सीखा था कि इनके कॉम्पोनेंट से ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा, इसका वैल्यू अगर जीरो आया तो कोप्लेनर। देख लेते हैं क्या होता है, सिक्स माइनस टू दैट इज़ फोर, माइनस वन इंटू फोर माइनस वन दैट इज़ थ्री, एंड प्लस वन इंटू माइनस फोर प्लस थ्री दैट इज़ माइनस वन, फोर माइनस फोर इज़ ज़ीरो। तो इसका मतलब ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। फिर फोर्थ, फोर्थ में चार वेक्टर के बारे में पूछा, सोचना ही नहीं है, तीन से ज़्यादा मिल जाए, है ना, लिखा था हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तीन से ज़्यादा मिल जाए तो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट। कोप्लेनर पूछेगा तब तो जांचना पड़ेगा कि ये चार वेक्टर कोप्लेनर हैं कि नहीं, एक ही प्लेन में आते हैं कि नहीं, उसका भी मेथड तुमको बताएंगे बाद में, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन, तीन वेक्टर की हेल्प से प्लेन का इक्वेशन लिख के और हम लोग जो है वो उसको पुट करके देख सकते हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अभी हमसे पूछा लीनियरली डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट में से क्या है, सो आंसर इज लीनियरली डिपेंडेंट, मोर देन थ्री वैक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। फिर ये सेक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट का कहीं ना कहीं यूज करते हैं कंपेयरिंग में, है ना। तो भी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, बोले कि ए बी सी को ये तीन ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी और सी करके, ए बी सी के ऊपर कहीं पर एक पॉइंट है डी, बी सी के ऊपर डी है, इस तरीके से कि बी डी इक्वल टू ट्वाइस डी सी लिखा है, तो यहाँ पर डी है, बी डी इक्वल टू ट्वाइस डी सी लिखने का मतलब कि ये रेशियो 2:1 का हो गया। फिर ए सी के ऊपर कहीं ई पॉइंट है, सच डेट ए ई इक्वल टू 3 टाइम्स ए सी, इसका मतलब ये रेशियो 1:3 का हो गया। फिर हमें क्या करना है कि ए डी और बी ई, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ए डी को ज्वाइन करना है, फिर बी ई को ज्वाइन करना है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पी मान लिया हमने, या दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। फिर हमसे पूछा कि बी पी, ये रहा बी पी, दिस इज बी पी, बी पी इज टू पी ई, ये रेशियो पूछा, तो चलो इस रेशियो को हम मान लेते हैं लैम्डा इज टू 1 - लैम्डा, ओके। और इस ए पी इज टू पी डी रेशियो को मैं म्यू इज टू 1 - म्यू एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक। फिर मैंने ए वेक्टर को जीरो वेक्टर मान लिया, बी को बी मान लिया, और सी को सी वेक्टर मान लिया, पोजीशन वेक्टर मानना पड़ता है, ठीक।
अब रेशियोज कुछ गिवन है तो वहाँ से सेक्शन फार्मूले का यूज करके हम डी और ई का पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, लिखो डी का पोजीशन वेक्टर विल बी दिस, 2 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो हो जाएगा ये 2C प्लस B अपॉन 3। और ई क्या बनेगा, ई यहाँ पर ई क्या बनेगा, दिस 3 मल्टीप्लाई बाई C वेक्टर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। तो ये बन जाएगा 3C प्लस 0 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो ये 3C अपॉन 4 आया और यहाँ आया था 2C प्लस B अपॉन 3। ठीक, ओके। अब जो हमारा P है, P हमने क्या मान रखा है कि P डिवाइड्स AD इन रेशियो μ is to 1 माइनस μ। हमेशा रेशियो इस तरीके से एज्यूम करना सही रहता है, ठीक है, कैलकुलेशन इसमें इजी रहता है। तो इसका मतलब कि पी का पोजीशन वेक्टर अगेन बाय अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला वी विल राइट 1 माइनस μ इंटू ए। अब ए तो जीरो है तो वो लिखने का ज़रूरत नहीं है कुछ, ठीक है। फिर दिस म्यू इंटू डी का पोजीशन वेक्टर म्यू इंटू 2C प्लस B अपॉन 3 और डिवाइडेड बाई इन दोनों रेशियो, जो भी हमने रेशियो एज्यूम किया था इनका सम करना है नीचे सेक्शन फार्मूले में, तो इसलिए हमने ये जानबूझ के रेशियो ऐसा एज्यूम किया ताकि वो जो सम करें म्यू प्लस वन माइनस म्यू का तो वो वन ही बन जाए, तो इसलिए डिनोमिनेटर में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो वी हैव सेड दैट पी डिवाइड्स बी ई इन रेशियो λ is to 1 माइनस λ। देखो डायग्राम में, ठीक है, इसका मतलब फिर से अगेन बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला आई कैन राइट दैट इज पी वेक्टर इक्वल टू λ टाइम्स 3C बाई 4 प्लस 1 माइनस λ टाइम्स बी एंड डिवाइडेड बाई λ प्लस 1 माइनस λ दैट इज 1। ठीक, अब ये दोनों पोजिशन वैक्टर हमने लिखा तो अलग अलग तरीके से, बट दीज आर द पोजिशन वैक्टर ऑफ सेम पॉइंट दैट इज पी। एक ही पॉइंट का पोजिशन वैक्टर दो अलग अलग तो होगा नहीं, इसका मतलब दिस टू आर सेम। तो इनको जब कंपेयर किया तो हमको मिलता है, क्या मिलेगा, 2μ/3 × C + μ/3 × B। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके मैं इसको लिख रहा हूँ, इक्वल टू 3λ/4 × C + 1 λ × B। ठीक, अब देखो ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल के कोई दो साइड आपस में कोलिनियर हो सकते हैं क्या, कभी नहीं हो सकता। ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर जो है ये कोलिनियर तो कभी नहीं हो सकता ना, दीज आर नॉन कोलिनियर वैक्टर्स, मतलब बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर वैक्टर्स। इसका मतलब वी कैन ईजिली कंपेयर दीज कोफिशेंट, दैट इज 2μ/3 = 3λ/4 एंड μ/3 = 1 माइनस λ। ठीक, अब यहाँ से लैम्डा और म्यू दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं, फिलहाल अपने को लैम्डा की ज़रूरत है ना, क्योंकि बी पी अपॉन पी ई क्वेश्चन में पूछा वो हमने क्या जूम कर रखा है, λ is to 1 माइनस λ। तो म्यू को एलिमिनेट कर लिया जाए। ठीक, तो म्यू का वैल्यू यहाँ से मैं ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसमें पुट कर लेता हूँ, म्यू का वैल्यू आएगा 9λ/8 और अपॉन क्या है 3 = 1 माइनस λ, ये हो गया 3, यानी कि λ + 3λ/8 = 1, 11λ/8 = 1, λ = 8/11, λ = 8/11। तो जो हमारा आंसर है बी पी अपॉन पी ई का वो था λ/1 माइनस λ दैट इज 8/11 अपॉन 3/11 1 माइनस 8/11। तो फाइनल आंसर इज 8 is to 3। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, थैंक।